हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। तो यार दोस्तों, हम सभी लोग डेली जो पानी पीते हैं वो कलर के अंदर जो है बिल्कुल कलरलेस होता है, यानी कि उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी कलर नहीं होता है। इसीलिए दोस्तों मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ यहाँ पे कलर वाला पानी। जी हाँ दोस्तों, ये देखिए हमारे पास में आज ये ब्लैक कलर का वाटर, यानी कि काला पानी। और गाइज ये जो काला पानी है ना, यानी कि ब्लैक वाटर है, वो आजकल बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग के अंदर भी है। कई सारे सेलिब्रिटीज जो है आपको इस तरीके का जो पानी है वो पीते हुए जो है कहीं ना कहीं इजीली दिख जाएंगे। और गाइज ये जो ब्लैक वाटर हमारा आता है, ये एक हेल्दी वाटर के रूप में भी कई लोग इसको जो है पीते हैं, क्योंकि गाइज ये जो हमारा ब्लैक वाटर है वो एक अल्कलाइन वाटर आता है। गाइज ये देखिए यहाँ पे इसके अंदर लिखा है अल्कलाइन वाटर और 8+ इसका पीएच है। गाइज हमारा जो नॉर्मल पानी आता है उसका पीएच लेवल होता है 7, और 7 के ऊपर जितनी भी चीज़ें गाइज आती है जिसका पीएच लेवल 7+ होता है वो एल्कलाइन के अंदर आती है। ब्लैक वाटर को जो है डेली कंज्यूम करने से जो है हमारी बॉडी जो है वो हाइड्रेटेड रहती है, और इसके अलावा अगर किसी की एसिडिटी वगैरह होती है तो उसके अंदर भी गाइज उसको जो है ये जो ब्लैक वाटर आता है वो फ़ायदेमंद होता है। और इसके अलावा दोस्तों हमारा ये जो ब्लैक वाटर है इसके अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे कंटेन मिनरल्स और 0 कैलोरीज। इसके अलावा इसकी जो न्यूट्रिशनल फैक्ट्स हैं गाइज, ये आप इसके पीछे यहाँ पे पढ़ सकते हैं। और गाइज हमारी ये जो एक ब्लैक वाटर की जो बॉटल है, ये 500 ml की बॉटल गाइज हमारे को लगभग 100 रुपये की यहाँ पे पड़ी है, यानी कि ये बहुत ही ज़्यादा महंगा भी है गाइज। नॉर्मली 20 रुपये के अंदर हमारे को जो है 1 लीटर की बोतल इजीली जो है कहीं पे भी मिल जाती है, लेकिन गाइज ये जो काला पानी है ना, ये मतलब 200 रुपये का 1 लीटर हमारे को पड़ेगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा महंगा भी है। और आज की इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, हमारा ये जो ब्लैक वाटर है ना, इसको हम यहाँ पे टेस्ट करेंगे, और उसके बाद में देखेंगे कि ये टेस्ट के अंदर कैसा लगता है। हमारा जो नॉर्मल पानी आता है उसी की तरह लगता है, कुछ उससे जो है अलग ये हमारे को लगता है। ये जो हमारा ब्लैक वाटर है ये एक नॉन कार्बोनेटेड वाटर आता है, यानी कि हमारी जो कोल्ड ड्रिंक वगैरह आती है ना, वो उसके अंदर जो फिज़ टाइप का हम जब पीते हैं तो हमारे को फील होता है, ये उस टाइप का कुछ भी इसके अंदर नहीं है, ये जस्ट नॉर्मली पानी ही है। तो गाइस हमारा ये जो ब्लैक वाटर होता है वो नेचुरली हमारे को जो है ब्लैक नहीं मिलता है, ये जो है नॉर्मल पानी ही होता है, लेकिन इसके अंदर कई सारे जो मिनरल्स वगैरह है वो इसके अंदर मिलाए जाते हैं अलग से, जिसकी वजह से इसका जो कलर है वो यहाँ पे ब्लैक कलर का हो जाता है, ये देखिए। तो चलिए दोस्तों, अब हमारा ये जो ब्लैक वाटर है वो मैं आपको यहाँ पे टेस्ट करके दिखाता हूँ। और इस ग्लास के अंदर हमारा ये जो ब्लैक वाटर है मैं यहाँ पे निकाल लेता हूँ। और एक ग्लास के अंदर गाइस हमारा जो नॉर्मल वाटर आता है वो भी मैं यहाँ पे निकाल लेता हूँ, ताकि जो टेस्ट का जो रियल जो फ़र्क होगा ना गाइस, वो थोड़ा सही से हमारे को पता चल सके। अब सबसे पहले मैं आपको ये ब्लैक वाटर है वो यहाँ पे टेस्ट करके दिखाता हूँ। गाइज ये जो है मीठा तो बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं है, देखने में गाइज ऐसे लगता है कि हम लोग जो है कोल्ड ड्रिंक पी रहे हो, बट ये मीठा बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं है, और जिसका टेस्ट है ना वो भी मेरे को पानी की तरह ही यहाँ पे लग रहा है। इसमें और इसके अंदर मेरे को कोई भी ज़्यादा डिफरेंस यहाँ पे नहीं पता चल रहा है। तो गाइज यार देखिए, यहाँ पे टेस्ट के अंदर तो हल्का सा जब हम पीते हैं इसको पानी को, तो लास्ट के अंदर हल्का सा थोड़ा बहुत हमारे को फील होता है कि ये कुछ कुछ तो थोड़ा बहुत अलग है, लेकिन ओवरऑल अगर बात करी जाए तो ये और ये जो दोनों पानी यहाँ पे है वो 99% गाइज मेरे को जो है सेम ही यहाँ पे लग रहे हैं। इजीली कोई भी जो है इसको यहाँ पे डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकता कि ये जो दोनों पानी है वो यहाँ पे अलग है। और गाइज ये चीज़ जो है सबके अपने अपने टेस्ट के ऊपर भी डिपेंड करती है, हो सकता है किसी और पर्सन को अगर ये ट्राई करे तो उसको जो है ये थोड़ा बहुत अलग लग सकता है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा कि मेरे को तो यहाँ पे जो है सेम ही यहाँ पे लग रहा है। और इसके अलावा दोस्तों अगर आप लोग भी इसको ट्राई करना चाहें तो डेफिनेटली यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। दोस्तों मैंने सारी चीज़ें जो है इस ब्लैक वाटर के बारे में आपको यहाँ पे बता दी है, टेस्ट वगैरह जो है सब चीज़ें मैंने आपको इसके बारे में यहाँ पे बता दी है। बाकी ये जो है मैं नहीं सोचता कि गाइज आपको जो है रेगुलरली यहाँ पे यूज़ करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा महंगा भी है यार। इससे अच्छा हमारा ये पानी ही सबसे बेस्ट है, ये पियो और मज़े करो। और गाइज हमने यहाँ पे एक चीज़ और सोची है कि क्या हो अगर हमारा ये जो ब्लैक वाटर है इसके अंदर अगर हम डाल दें ब्लीच। जी हाँ गाइज,
ब्लीच जो होती है किसी भी चीज का जो कलर होता है वो इजीली जो है उड़ा सकती है। तो इसलिए दोस्तों अब हम हमारे ये जो ब्लैक वाटर है इसके अंदर भी जो ब्लीच है वो डाल के देखते हैं और देखते हैं इसके कलर का यहाँ पे क्या होता है, क्या इसका कलर भी जो है यहाँ पे ट्रांसपेरेंट हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। चलिए एक बार इसके अंदर ब्लीच में डाल के देखता हूँ। ये होगी हमारी ब्लीच, अब डालते हैं इसको इस ब्लैक वाटर में। कलर इसका नहीं जा रहा है यार, कलर इसका देखिए यार अभी भी मतलब ब्लैक ही है यार। ब्लीच से भी गाइस इसका जो कलर है वो यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं उड़ा है, जैसा सेम हमारा पहले था सेम वैसा ही कलर यहाँ पे है। एक बार और डालता हूँ मैं थोड़ी ब्लीच। तेरी यार भाई साहब ब्लीच भी मतलब ये जो ब्लैक वाटर है इसका यहाँ पे कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रही। ये देखिए पूरा जो ब्लैक वाटर है, थोड़ा बहुत गाइस ये जो है ऊपर से हमने ये डाल दिए इसलिए थोड़ा बहुत कलर आपको जो है अलग यहाँ पे दिख सकता है क्योंकि ये और ज़्यादा डाइल्यूट हो गई है, जिसकी वजह से गाइस ये थोड़ा बहुत जो है आपको लग सकता है कि थोड़ा सा डिफरेंट लग सकता है। लेकिन ब्लीच से गाइस मेरे को जहाँ तक लग रहा था इसका पूरा जो कलर है वो यहाँ पे उड़ जाना चाहिए था, कितनी सारी ब्लीच इसके अंदर डाल दी लेकिन फिर भी गाइज ये कलर बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं उड़ा है। ये देखिए आई थिंक यहाँ पे हुआ क्या होगा कि ये जो इसके अंदर किसी प्रकार का कोई कलर जो है वो यहाँ पे मिक्स नहीं है, ये जो नेचुरल जो चीज़ें इसके अंदर डाली गई थी इसकी वजह से गाइज इसका जो कलर है वो आया था और इसी वजह से गाइज इसके अंदर जो है ये सेम अभी भी वैसे की वैसे ही है। कोई भी आर्टिफिशियल कलर गाइज इसके अंदर मेरे को लगता है यहाँ पे मिक्स बिल्कुल भी नहीं है, नहीं तो वो जो कलर था इसका ब्लैक वाला वो हमारी ब्लीच जो है ईजिली यहाँ पे जो है उसको उड़ा सकती थी। लेकिन आप देख सकते हैं ब्लीच डालने के बाद में भी ये जो है वैसी की वैसी ही है, जो कि बहुत अच्छी बात है यार। अगर वीडियो के अंदर आपको यहाँ पे कुछ नया देखने को मिला हो, कुछ इंटरेस्टिंग देखने को मिला हो तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और मिलते हैं दोस्तों हमारे नेक्स्ट वाले वीडियो के अंदर। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।